हाय दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल दिसंबर 21 की ऑल इंडिया 29th रैंकर रक्षित बयानी से, जो सीए फाइनल में 562 मार्क्स के साथ में 29th रैंक आई है। रक्षित, कैसा लगा आप लोगों को? सर बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया, एंड थैंक यू, आपकी वजह से मेरी रैंक आ पाई 29। तो अब जो हम एक क्वेश्चन पूछूंगा वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, तो उन सबका ईमानदारी से जवाब देना। जी सर। तो सबसे पहले तो जैसा कि तुम वीएसआई के स्टूडेंट हो, सीपीटी भी यहाँ से लिए, इंटर भी यहाँ से लिए, फाइनल भी यहाँ से लिए, तो सीए फाइनल में स्पेशली जो 2.5 ईयर का टाइम है उसमें तुमने क्लासेज को कैसे मैनेज किया? सर सीए फाइनल के अंदर हमें 2.5 ईयर्स का टाइम मिलता है, जिसमें से हमारी ट्रेनिंग भी चलती है साथ में। तो द फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर मैंने अपनी स्टडीज और कोचिंग कंप्लीट करी, एंड लास्ट के 6 मंथ्स उसके अंदर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया। तो ये एक साथ करिए, किस तरीके से मतलब किया, इसका शेड्यूल क्या रहा सब्जेक्ट्स का? सर बेसिकली मॉर्निंग 10 to 5 मेरी ट्रेनिंग होती थी, सो उससे पहले सुबह एंड इवनिंग के अंदर मैं क्लासेस लेता था। दो ज़्यादा नहीं तो अपन 2-2 घंटे सुबह शाम निकाल सकते हैं मैनेज करने के लिए, तो उस टाइम में 2 सब्जेक्ट एट टाइम चलाता था। एट टाइम 2-2 सब्जेक्ट करके और 4 राउंड में ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। हाँ जी सर। तो उस समय ट्रेनिंग में भी जाना होता था और आपको क्लासेस कोचिंग लेना और उसको सेल्फ स्टडी करना, तो उसको कैसे मैनेज किया, कितना टाइम डिवोट करते थे उस पीरियड में? सर बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता है, बिकॉज हम लोगों ने कभी ट्रेनिंग करी नहीं होती है, बट धीरे धीरे स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, बट फिर उसको एक डेली शेड्यूल बनाया एंड उसी को पैटर्न को फॉलो किया, सो वो इवेंचुअली फॉलो हो गया था। तो जब तुमने ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, क्लासेस चालू कर दी थी, तो दोस्तों ने तो बताया होगा कि अभी लेट करना है, क्योंकि 90% की कैटेगरी में आना हमारे को। सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से मतलब आपके अंडर गाइडेंस ली हुई है, एंड मैं स्टार्टिंग से वीएसआई से हूँ, सो मैंने आपसे कंसल्ट किया था एंड फिर मैंने भारतीय से एडवाइस ली, तुरंत चालू कर लिया, टाइम ही वेस्ट नहीं किया। हाँ जी सर। अच्छा, लास्ट का जो 6 मंथ का टाइम है वो तो बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें स्टडी को रिवाइज करना होता है, तो उसमें कैसे बैलेंस किया? सर बेसिकली अपने यहाँ पे वीएसआई मॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन से पीरियड कितना टाइम देना है, सो मॉक्स के थ्रू एक शेड्यूल बन जाता है, एंड देन वी हैव टू कम्प्लीट आवर सिलेबस इन दैट शेड्यूल ओनली। सो मॉक्स सर काफ़ी हेल्पफुल थे, लाइक स्टार्टिंग में अपने को 10 डेज मिलते हैं, देन 5, देन 3, सो हमें पता होता है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट को कोप अप करना है, एंड फिर जो आखिर में अपने मॉक 15 दिन पहले कंप्लीट हो जाते हैं, सो वी हैव 15 डेज लेफ्ट बिफोर एग्ज़ाम। सो उसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट को 1.5 दिन दिया था, ये मानते हुए कि मेरे एक्चुअली में एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, ताकि जो मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम था उसके अंदर मुझे बताओ कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, तो सर वैसे मैनेज हो गया था। तो कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है ज़्यादा? नहीं सर, एक्चुअली मतलब मैं रोज़ अपना शेड्यूल फिक्स कर रहा था कि इतना ही पढ़ना है, ना ज़्यादा ना उससे कम, एंड फिर जो मेरा लेजर टाइम था उसके अंदर मैं अपने एक्टिविटीज़ को इंजॉय करता था, ताकि प्रेशर नहीं आता था हमारे। बिगनिंग से कंसिस्टेंसी मेंटेन की, तो लास्ट में प्रेशर नहीं आया, अदरवाइज अगर शुरू का टाइम निकल जाता है, 1-1.5 साल का टाइम निकल जाता है, बाद में काफ़ी प्रेशर आता है। यस सर। तुमने शुरू से मैनेज किया, इसलिए वो दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब एग्जाम का जब टाइम चल रहा था, जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम हो रहे थे, उस समय बहुत सारा पेपर भी हो रहे थे, मेंटल प्रेशर भी आ रहे थे, तो उस समय कैसा लगा, कैसे मैनेज किया उसको? सर बेसिकली पेपर देते देते ऐसे कई पेपर होते हैं जो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, कई पेपर होते हैं जो नहीं होते, तो उस टाइम मैंने आपको भी 1-2 बार कॉल किया था रिगार्डिंग द सेम कि मतलब सर कैसे करना है, बट क्योंकि अपने को एक मेंटल स्टेट पे काम रहना होता है एंड अपन इतने मार्क्स दे चुके होते हैं, सो वी हैव हैंडल्ड द प्रेशर एंड सर अपने को अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लिया था। उसे मॉक टेस्ट से एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं, इसकी वजह से फिर वो दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, आपने मैटर क्या यूज़ किया? सर मैटर टोटली स्टडी मटेरियल, अपना जो बी एस आई का मटेरियल है वो भी एकदम स्टडी मटेरियल, तो सर इसलिए स्टडी मटेरियल से डाइवर्ट नहीं हुआ था। तो स्टडी मटेरियल से डाइवर्ट नहीं हुए, तो जैसे अब आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं और सी कर रहे हैं, स्पेशली सी ए फाइनल कर रहे हैं, और सी ए फाइनल में क्योंकि ट्रेनिंग समय जो सीनियर्स होते हैं वो काफ़ी डरा देते हैं कि साहब बहुत टफ है और ये कर लो वो कर लो, तो आप जूनियर्स को कैसा देना चाहते हो, और स्पेशली कुछ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक तो मैटर कौन सा यूज़ करना चाहिए, दूसरा जो डर फैला रखा है कि सी ए टफ है उसमें क्या करना चाहिए, और ये मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जिसमें अलग अलग तरीके की नॉलेज मिलती है,
इन सब के बारे में क्या जूनियर्स को सलाह देना चाहोगे? सर बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सीए बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर अपने कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो इट इज़ अ वेरी इजियर कोर्स एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। फॉर द मटीरियल आई सजेस्ट एवरीबडी टू गो फॉर द स्टडी मटेरियल ओनली, द क्वेश्चन बैंक आर ऑफ नो यूज एज मच एज क्वेश्चन यू विल सॉल्व यू विल गेट इन ट्रबल ओनली। सो बेटर है कि अपन जो अपने पास स्टडी मटेरियल है उसी को फॉलो करें एंड आईसीए का पेपर वो भी स्टडी मटेरियल के लिए आता है। अगर अपने को थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आईसीए ही मेन्यू प्रोवाइड करता है, लाइक आईसीए के एमसीक्यू बुकलेट्स है फॉर द एमसीक्यू पेपर्स, सो वी शैल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम दैट। एंड ये जो सर रिविजन वीडियोज और ये यूट्यूब पे जो वीडियोज हैं ये कोई यूजफुल नहीं है, बिकॉज ये आपको केवल कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से बता देंगे, बट जो डिटेल स्टडी और जो क्लासेस होती है लेने के सिलेंड में वही यूज आता है। एंड में आपका जो स्टडी मेटर से बुक से पढ़ा हुआ है ना वो काम आता है मतलब? हाँ जी सर, जो पढ़ा हुआ था एक्चुअली उसको वही काम आता है, सुन के तो नहीं आता। लेकिन रक्षित मेरे को कई बार फील होता है यार ये सीए फाइनल के बच्चे बेचारे हैं, बेचारे जो मतलब उनको इतने कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें और उसकी वजह से करियर खराब हो जाता है, जबकि आईसीएआई ने कह रखा है कि ये मैटर पढ़ना है, प्रिस्क्राइब्ड मैटर है और उसको छोड़ने के उसको छोड़ के दूसरा मैटर पढ़ते हैं, तो ये इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैनेज करें उसको, मतलब किस तरीके से स्ट्रेस करना चाहिए? सर बेसिकली सबसे पहले तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बच्चे बहुत जरूर से गाइडेंस लेते हैं कि किसी सीनियर से पूछ लिया, अपनी फैकल्टी से पूछ लिया, तो एक किसी भी अच्छे जन की गाइडेंस लेनी चाहिए, सर मैंने आपके लिए रखी थी, तो उससे अपने पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होता है कि अपने को क्या पढ़ना है। एंड सर ये जो कन्फ्यूजन है कि मतलब मेरा क्या होगा, तो सर ये केवल एक डर है मन के अंदर, क्योंकि जो बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई ट्रबल आएगा ही नहीं, क्योंकि सर सीए के अंदर अपने पास तो ऑलरेडी एक मार्क है कि अपने को इतने मार्क्स ले आएंगे तो अपन पास हो जाएंगे, या अपने दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो है ही नहीं कि मतलब अपने को कट ऑफ मार्किंग है या ऐसा कुछ है, अपने एक फिक्स मार्क्स से अपने को पास कर ले तो अपन पास ही है, तो अपन मार्क्स देंगे और प्रॉपर गाइडेंस लेंगे तो वो सॉल्व हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ तो कट ऑफ है, कट ऑफ के बाद पास हो जाओ, अगर आईसीए ने बुक प्रिस्क्राइब कर रहे उसको पढ़ लो बस खत्म काम। हाँ जी सर, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है ही नहीं, बस अपने कोई कोऑर्डिनेट लेके आना है फॉर पासिंग। थैंक यू रक्षित, थैंक यू सो मच, ये तुम्हारी गाइडेंस बच्चों को बहुत काम आएगी और सीए बढ़ने में हेल्प करेगी। थैंक यू, थैंक यू।